तो शुरुआत सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी आप ही से करते हैं। कांग्रेस ने तो पल्ला झाड़ लिया, आप लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेस का कनेक्शन सामने आया है, जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो ड्रग्स की खेप मिली है दिल्ली के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि वो तो पहले ही जा चुका है कांग्रेस को छोड़ करके। देखिए आस्था जी, आपको, हमारे साथ को पैनलिस्टों को और देख रहे सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नवरात्रि का पर्व पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सब इससे सबक लेते हैं कि कैसे असुरों का संहार करने का काम मां दुर्गा ने किया है, वैसे मां ने महिषासुर का वध करने का काम किया है। हम इस नवरात्रि को जब भी मनाते हैं तो इन कहानियों को साथ पढ़ते हैं। ये असुर कौन है? ये असुर जो समाज में हर प्रकार के बुराइयां स्थापित करना चाहते हैं, जो समाज को पूरी तरह से विद्रूप करना चाहते हैं, और यही आसुरी शक्तियां इस समय दिखाई पड़ रही हैं, जो बच्चों की आने वाली जो नस्ल है ना, उस पूरी नस्ल को खराब करना चाहती हैं ड्रग्स फैला करके। ये बहुत गंभीर मसला है, ये आपकी सिराओं में बहते हुए रक्त में आप नशा घोलने का जो प्रयास है ना, 5600 करोड़ रुपए का ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है, 560 किलो कोकीन, ये कोई छोटा मामला नहीं है। और इस बड़े मामले के पीछे जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ये पाया कि जो इसका किंग पिन है, जो इसका मुख्य सूत्रधार है, जो इसका प्रमुख आरोपी है, वो आरोपी कांग्रेस पार्टी का नेता है डिक्की गोयल। अब कांग्रेस पार्टी हाथ झाड़ने की कोशिश भले ही करे, लेकिन ये देश के सामने साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में नहीं होती है केंद्र में, तो कैसे कैसे धन उगाहने के लिए अपने स्लीपर सेल्स को लगाने का काम करती है, और ये सारा पैसा कैसे वो चुनाव में रूट करने का काम करती है। वो हाथ झाड़ने की कोशिश करे, लेकिन सबको दिख गया है कि उनके हाथ कैसे कालिक से लगे हुए हैं। ये कांग्रेस का हाथ, ये खूनी पंजा बना हुआ है, कैसे देश के सारी युवा पीढ़ी को ये नशे की लत में झोंकना चाहता है और उससे एक बड़ी कमाई करना चाहता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस आरोप से बच नहीं सकती है। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि अपनी पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर ऐसे व्यक्ति को रखने का काम किया है जिसने ऐसा अपराध किया। आप जानते होंगे हरियाणा में भी चुनाव है और यही आरोप कांग्रेस लगा रही है कि यहाँ के युवा नशे की चपेट में है। पंजाब में तो पहले ही सबको पता है कि किस तरीके से वहां पर ड्रग्स जो है वो बड़े पैमाने पर युवाओं को बर्बाद कर रही है। दिल्ली में बड़ी खेप पकड़ी गई है, इससे पहले भी कई पोर्ट्स पर बड़ी खेप पकड़ी जा चुकी है और केंद्र सरकार की मुहिम भी है कि ये ड्रग्स नाम का जो जहर है समाज से खत्म करना चाहिए और उसमें जो लिप्त पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे नेटवर्क को समझने के लिए के जैन जी पूर्व डीजीपी हमारे बीच में। के जैन जी, ये जो ड्रग्स का जहर है एक एक करके कई स्टेट में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये चलता है, लेकिन इस पर राजनीति भी होती है। इसमें जब इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है किसी ऐसे शख्स की जिसका किसी पार्टी से कनेक्शन जुड़ता है तो इस पर सियासत शुरू हो जाती है, लेकिन इस सबसे ऊपर उठकर युवाओं के लिए सोचना होगा, नशे नाम के जहर ड्रग्स नाम के इस लो पॉइजन को समाज से खत्म करना होगा। तो ऐसे में इसको राजनीति से दूर कैसे रखा जाए? स्पेशल ब्रांच को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इतनी बड़ी रिकवरी की है। मैंने भी 36-37 साल सर्विस की है, कुछ किलो की बरामदगी हो पाती है, 560 किलो की रिकवरी, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग और रिकवरी है और ऐसा बहुत ही रेयर होता है कंट्री। ये जो इंटेलिजेंस कलेक्शन इन्होंने किया, इनको जरूर पूरे नेटवर्क की जानकारी लगी होगी और भी इसमें अरेस्ट हो रही हैं। ये बहुत ही गंभीर प्रकरण, बहुत ही गंभीर, ये तो एक तरह का देशद्रोह है। आप पूरी आगे आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, बता रहे हैं दुबई से कनेक्शन है, कोई औरंगजेब नाम के आदमी का नाम आया है। ये सब जो चल रहा है ये बहुत ही गंभीर है और इसकी बड़ी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA वगैरह सब लगाए जाए, लगेंगे मेरे ख्याल से, पूरी एजेंसी रो वगैरह भी इसको देखेगी क्योंकि दुबई से कनेक्शन है। ये बहुत बड़ी खेप है, मतलब इसको, इसका मतलब है कि सैकड़ों लोग इस कारोबार में, नेटवर्क में होंगे जो कि सप्लायर्स होंगे, जो कि एक चेन बनाते हैं, क्योंकि ये 560 किलो खपाना ये कोई मामूली काम नहीं है। तो ये दुबई में कौन है बता रहे हैं, वो भी बड़ा चर्चित नाम है जो दुबई से ऑपरेट कर रहा है। तो इसमें तो इंटरपोल की भी मदद ली जाती है, इंटरपोल भी ऐसे प्रकरणों में बहुत मदद करती है, CBI उसकी नोडल एजेंसी है। तो अवश्य पूरा नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहिए और बहुत ही गंभीरता से इस प्रकरण को लेना चाहिए। ये सब तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह के तहत सब बाउंड डाउन होने चाहिए, इनके खिलाफ कड़े से कड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल, तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दशकों से ये ड्रग्स का जहर जो है वो धीरे धीरे समाज में बढ़ता जा रहा है। राकेश त्रिपाठी जी, मौजूदा वक्त में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और ये सीधा सवाल उठता है और विपक्ष भी इसी बात को कहता है कि ये जो पोर्ट पर बड़ी खेप पकड़ी जा रही है ड्रग्स की, इनके तार कहां से जुड़े हैं, ये कैसे यहां तक पहुंच जा रही है? देखिए, ड्रग्स का कारोबार कोई भारत के भीतर अकेले नहीं है, इसके इंटरनेशनल तार होते हैं और पूरी दुनिया भर में नशा एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस नशे से लड़ने के लिए देश में एक आह्वान किया और पूरी सारी केंद्रीय एजेंसियों को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक वेल कोऑर्डिनेशन के साथ, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ हर तरीके से हम इसके पूरे नेटवर्क को तोड़े, लगातार कार्रवाइयां हो रही है। और आप देखेंगे कि चाहे गुजरात में एक बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई हो जिसमें कई किलोग्राम ड्रग्स के वहां पर उसको जब्त करने का काम किया था पोर्ट पर, या लगातार देश भर में अलग अलग स्थानों पर छापेमारियां जो हुई हैं और पिछले दिनों में जिस तरह से ड्रग्स के कोई नेटवर्क को तोड़ने का काम किया गया है। आप याद करिए कि पंजाब एक समय में किस तरह से ड्रग्स के कारोबार में डूब गया था, बड़ी मुश्किल से उसको हम बाहर निकाल करके लेकर आए थे, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद वहां किस तरह से लापरवाही हुई है ड्रग्स के कारोबार में, बहुत गंभीरता से यहां के युवाओं को भी ड्रग्स चपेट में ले रही है। हरियाणा में तो आपकी सरकार है, कांग्रेस पार्टी का तो दामन खुद दागदार है। पहले तो उनको जवाब देना होगा, आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं, उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं या आरोपी तो उनकी पार्टी के भीतर टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं, राहुल जी के आशीर्वाद से बैठे हुए हैं। उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि राहुल जी और सोनिया जी के आशीर्वाद से ये मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये कांग्रेस का कौन सा मिशन है जो युवाओं को नशे की लत से झोंकने का काम कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने का काम कर रहा है, देश की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रख रहा है? और इसके पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र होते हैं, जिस तरह से इसके पीछे माफिया तस्कर गिरोह होते हैं, उन सबका एक खतरनाक गठजोड़ होता है और इस गठजोड़ में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, यह सवाल कांग्रेस पार्टी को आज जवाब देना चाहिए। ठीक है, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कम से कम इस बात का जरूर जवाब दें। राकेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधांशु वाजपेयी जी। सुधांशु जी, भाजपा सीधे तौर पर हमलावर है, उसका कहना है कि ड्रग्स नाम के जहर को समाज में फैलने कांग्रेस ने दिया और इनके आरोपियों में सीधा सीधा एक का कांग्रेसी कनेक्शन है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इन नशे के सौदागरों को राक्षस चंडमुंड के समानांतर रखा और कहा कि ये जो नशे के सौदागर हैं, ये इन चंडमुंड राक्षसों की तरह हैं जो हमारे समाज में। पहली बात तो ये है कि जितना जोर जोर से चिल्लाया जा रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पहले तो स्पष्ट ये कर देना है, वो लोग कांग्रेस के सदस्य नहीं, 2 साल पहले ही वो लोग सदस्यता छोड़ मतलब उनको बाहर किया जा चुका है, ऐसे ही गतिविधियों के चलते। तो कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, जबरदस्ती इनकी कोशिश है कि उसको कांग्रेस से जोड़ दिया जाए। मेरा सवाल है कांग्रेस से, क्या कांग्रेस को जानकारी थी कि तुषार गोयल नशे के मामले में, ड्रग्स के मामले में? नहीं, सुधांशु जी, ये जवाब बताइए कि कांग्रेस पार्टी को क्या इस बारे में जानकारी थी कि तुषार गोयल इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है और इसलिए आपने उसको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया था? और अगर आपको इस बात की जानकारी हो गई थी कि तुषार गोयल इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, तो क्या आपने किसी कंसर्न एजेंसी को, क्या पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी दी थी? कांग्रेस पार्टी कैसे बाह्यात तर्क प्रस्तुत करने का काम कर रही है? आज भारतीय जनता पार्टी ने उसका अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया है, आपने अब तक उसको निकालने का, उसको पार्टी से बाहर करने का कोई आज लेटर जारी किया है क्या? आप बैक डेट में झूठी आज ये कहानी बताने का काम कर रहे हैं कि उसको कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया था। क्यों बाहर निकाला? क्या आपको जानकारी हो गई थी? जानकारी हो गई तो किसी एजेंसी से आपने साझा किया है कि नहीं किया है?